तो अभी हम देखते हैं ये काम वासना आता कहां से, काम वासना कहां से आता है और इसको कैसे कंट्रोल करें, स्पेशली जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। काम वासना को हम जबरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी उसको परिवर्तित करके भगवान के प्रति प्रेम के रूप में उसको बदल सकते हैं। तो जो भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं, जो 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो आसानी से काम वासना को जीत सकते हैं। पर जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, वो अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से कितना भी कोशिश करें, काम वासना को जीतना नामुमकिन। उसके लिए शास्त्र में बहुत सुंदर उदाहरण आता है, विश्वामित्र ऋषि तो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, तो उन्होंने 60,000 साल का तपस्या किया ब्रह्म ऋषि बनने के। तो जब उन्होंने 60,000 साल का तपस्या किया तो इंद्रदेव घबराने लगे। इंद्रदेव ने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मेरा पद छीन ले, इसलिए इनका तपस्या को बंद करना पड़ेगा। ये सोचकर उन्होंने अप्सराओं को भेजा, मेनका को, और मेनका को भेजकर उनको बोला इसकी तपस्या बंद कर। तो मेनका आई और उनको आकर्षित करने के लिए प्रयास किए, लेकिन उनके आंखें बंद थे, कैसे उनको आकर्षित करें। तो वो नाचने लगी और उनके गाने और नाचने से जो उनके जो पैर के जो घुंघरू थे, पायल के घुंघरू, उसके आवाज उनके कान में जाने लगे, क्योंकि सभी इंद्रियां बंद थे लेकिन कान तो खुला रहता था। कान तो खुला है, बाकी आंखें, भले आंखें बंद थे लेकिन कान खुले हैं। तो मेनका के पैर के पायल के घुंघरू का आवाज जो है उनके कान, और फिर उनको बहुत मधुर लगा कि कितना मधुर आवाज आ रहा है, आंखें खोल के देखा तो मेनका, और इस प्रकार से मेनका से आकर्षित होकर उनका पतन। 60,000 साल की तपस्या बर्बाद हो गई। तो ये कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इतने बड़े तपस्या तपस्वी थे, इतने बड़े ऋषि थे, फिर भी उनका पतन हुआ। पर उसके विपरीत हरिदास ठाकुर का कहानी आता है। हरिदास ठाकुर जी पैदा तो हुए मुसलमान के परिवार, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, मुसलमानों के परिवार में पैदा हुए थे हरिदास ठाकुर, पर जन्म से उनको भगवान कृष्ण के नाम के प्रति बहुत प्रेम था और हमेशा भगवान कृष्ण के नाम लेते थे, और चैतन्य महाप्रभु का कृपा से वो निरंतर एक दिन में हर दिन 3,00,000 नाम जप करते थे, यानी 192 माला जप करते। हम 16 माला करने के लिए बहुत तकलीफ होता है, हमको 16 माला भी नहीं कर पाते हैं हम, बट लेकिन वो एवरी डे 192 माला करते थे। 192 माला करने के लिए कम से कम 20 घंटे लग जाते, 18 घंटे लग जाते। तो हर रोज 3,00,000 नाम, कोई साधारण नहीं, दिन भर रात भर वो माला करते भगवान का। और फिर जो वहां की वेश्या, वहां के जो सबसे सुंदर वेश्या को, वहां के जो ईर्ष्यालु लोग हैं जो पसंद नहीं करते थे, लोगों ने भेजा उनका बदनाम, क्या जाके उस हरिदास ठाकुर का चरित्र पतन करो, चरित्रहीन कर देना उनको, और सब हम सभी गांव वालों को लेकर ले जाकर दिखाएंगे कि देखो हरिदास ठाकुर कैसे। तो वो वेश्या जाती है रात में, पर हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने का कोशिश करती है। हरिदास ठाकुर बिल्कुल और हरिदास ठाकुर से वो कहते हैं कि आप हमारी इच्छा पूरी करो, आपसे हम बहुत आकर्षित हुए हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं चलो ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करो, मेरा जप पूरा हो जाए तब आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। और उनको बिठा के रखे और वो जप करने लगे भगवान का नाम, और भगवान का नाम करते करते सारा रात गुजर गया, और सारा रात वो सुनने लगी हरिनाम, और रात खत्म हो गया, भोर हो गया, सुबह हो गया। तो फिर वो उमेशा जो है नक्षगिरा, उनका नाम चले जाता।
और फिर अगली रात को दोबारा आती, फिर वही कोशिश करते हैं, फिर उन्होंने वही जवाब दिया कि आप थोड़ा इंतजार करो मैं माला कर लूं। तो फिर रात भर इंतजार करते हैं, सुबह हो जाती है फिर निकल जाते हैं, फिर तीसरे रात को फिर आती है और तीसरे रात को भी वही। और तीसरे रात में जब वो रात भर सुनी हरि नाम, तब वो समझ गई कि ये तो सच्चे संत है। तो वो खुद उनके शरणागत हो जाती है कि हमें क्षमा करें, कुछ लोगों ने आपका बदनाम करने के लिए हमें भेजा है, अब हमें क्षमा करें, अब हम अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें और हमें पावन तात्पर्य है कि हरिदास ठाकुर कैसे बच गए हैं, क्योंकि वो हमेशा निरंतर मंत्र नाम स्मरण करें। राधे राधे।